हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फिर से आपका इस ज्ञान सागर वीडियो सीरीज में स्वागत है। होप्स आप इस लॉकडाउन में घर पे बहुत अच्छी तरह से इन वीडियोस का उपयोग करते होंगे, ऐसी आशा रखते हैं। लेट अस कंटिन्यू अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड इथर्स टॉपिक। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। टू मेथड्स वी हैड कवर्ड, वन इज फ्रॉम अल्किल हैलाइड्स, दैट इज बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हैलाइड्स, राइट। एंड सेकंड मेथड हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इस्टर्स वी हैड प्रिपेयर्ड दीज अल्कोहल्स। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दीज अल्कोहल्स, that is from alkenes or by alkenes. So from alkenes we will discuss here three methods. See, dekho bachcho, this is very very important method for this alcohol preparation, very important. To hum isko teen part mein discuss karne ja rahe hain. Jaise ki yahan par main note karunga, from alkenes we will discuss the first method, that is an hydration, that is called as by indirect hydration of alkenes, indirect hydration of alkenes. Second method we will discuss, that is hydroboration, oxidation of alkenes. Very very important method, hydroboration oxidation method. And the third one we will discuss then, oxymercuration, demercuration of alkenes. Oxymercuration, demercuration of alkenes. This hydroboration oxidation, it is also popular as HBO. Remember, yaad rakho, hydroboration oxidation method isko HBO ऐसे भी रेफर किया जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म इट इज HBO, ओके। सो फ्रॉम अल्किन्स और स्टार्टिंग फ्रॉम अल्किन्स वी विल डिस्कस थ्री मेथड्स हेयर। वन इज इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, उसमें हम देखेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, और डायरेक्ट हाइड्रेशन उसमें कैसे होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसका मैकेनिज्म हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। देन सेकंड मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में भी हम इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है नीट के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। बच्चों देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें भी हम इसका हाइड्रेशन और अल्कोहल प्रिपरेशन कैसे होता है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस गो वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, देन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन HBO, एंड देन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ओके, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वन, दैट इज हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। सी है, तो यहां पर मैं इसको ए बोलूंगा, थर्ड ए, हाइड्रेशन, दैट इज इनडायरेक्ट। क्यों इनडायरेक्ट होता है वो भी डिस्कस मैं क्लियर करूंगा। यहां पर इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला जाता है, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्किन्स। ओके, तो यहां पर भी हम डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन एंड डायरेक्ट हाइड्रेशन, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन एंड डायरेक्ट हाइड्रेशन। सो सी हियर,
अगर आप यहां पर यूज करते हो इनडायरेक्ट कब होगा देखो, तो यहां पर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो इस मेथड में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बिकॉज दिस इज एन एसिड एंड कोल्ड कंडीशन, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कोल्ड कंडीशन अगर आप यूज करते हो देन इट इज कॉल्ड एज द इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, इस केस में हो जाता है इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होता है। देखो यहां पर क्या होता क्या है, इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला है, जैसे कि हम यहां पर एग्जांपल लेंगे और इसमें हम दो दो पार्ट बनाएंगे, एक पार्ट बनाएंगे फॉर सिमेट्रिक अल्किन्स, सिमेट्रिक अल्किन्स यू नो वेरी वेल सिमेट्रिक अल्किन्स क्या होते हैं बच्चों, जिसमें दोनों कार्बन की वैलेंसीज, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की वैलेंसीज सेम एटम और सेम ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, दैट इज कॉल्ड टू बी सिमेट्रिक अल्किन्स। और आपको पता है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम बीच में से क्लीव करेंगे, कट करेंगे, तो दो सेम पार्ट जब बनते हैं देन दैट अल्किन इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक अल्किन्स। तो देखो सिमेट्रिक अल्किन्स में होता क्या है, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या है ये इथिन है और आपको पता है सिमेट्रिकल अल्किन का एग्जाम्पल है, राइट। अगर हम यहां से ब्रेक करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो सी एच टू दो पार्ट इक्वल पार्ट बनते हैं, जब भी इक्वल पार्ट बनते हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल या सिंपल अल्किन्स यहां पर बोला जाता है, ओके। अब यहां पर देखो इसमें हम रिएक्ट करते हैं इस सिमेट्रिकल अल्किन को H2SO4 के साथ, H2SO4, तो यहां पर H2SO4 आपको कौन सा चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कंडीशन चाहिए कोल्ड कंडीशन, कोल्ड कंडीशन यहां पर मेंटेन करना है आपको, तो ही इस तरह का इनडायरेक्ट हाइड्रेशन होगा और अल्कोहल बनेगा। देखिए अब यहां पर H2SO4 में होता क्या है, H2SO4 में होता क्या है, तो H2SO4 यहां पर मैं लिखता हूं, H2SO4 को जब आप डिसोसिएट करोगे, H2SO4 को डिसोसिएट करोगे तो यहां से क्या बनता है, तो H प्लस बनेगा, राइट, प्लस OSO3H बनेगा, बराबर है OSO3H, यहां पर माइनस चार्ज, OSO3H माइनस चार्ज। अब होता क्या है, जैसे कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज रिएजेंट, यहां पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जिसको हम बोलते हैं, दिस इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ओके। हमने देखा है मार्कोनिकव रूल में देखा है HBr, HCl, वाटर, H2SO4, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स है, राइट। तो यहां पर देखो सिमेट्रिकल अल्किन है, इसलिए सिमेट्रिकल अल्किन में आपको पता है मार्कोनिकव रूल फॉलो करने की जरूरत पड़ती है क्या, पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सिमेट्रिकल अल्किन में टेंशन लेने का काम नहीं है बच्चों, सिमेट्रिकल अल्किन में आपको एडिशन आपकी मर्जी जैसी मर्जी आप कर सकते हो, इसका मतलब है आपको एक ही प्रोडक्ट मिलने वाला है, हमने 11th स्टैंडर्ड में इसको अच्छी तरह से पढ़ा है, आपको याद होगा। तो यहां पर क्या करना है आपको, बस H प्लस किसी एक कार्बन को ऐड करो और OSO3H एडजेसेंट कार्बन को ऐड करो, आपको मिल जाएगा यहां पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो देखो यहां पर क्या होने वाला है, तो यहां पर मिलेगा आपको, जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं सी एच टू सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या होगा डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, आपको पता है डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो जाएगा क्योंकि यहां पर एडिशन हो रहा है, एडिशन रिएक्शन इसको हम बोल सकते हैं। तो यहां पर समझो इस कार्बन को आपने ऐड कर दिया हाइड्रोजन, तो इस कार्बन को ऐड करोगे नेगेटिव पार्ट ओ एस ओ थ्री एच, बराबर है ओ एस ओ थ्री एच, या आप अगर आपकी इच्छा हो तो आप H इस कार्बन को ऐड करो और OSO3H इस कार्बन को ऐड करो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ेगा, सेम एक ही कंपाउंड रहेगा, बराबर है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इस इंटरमीडिएट का नाम रहता है, इसको जनरली इन जनरल कॉमनली आप बोल सकते हो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोलोगे अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो देखो ये है इथाइल
हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है ये? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, इंटरमीडिएट बन गया, इंटरमीडिएट बन गया। अब इसका आपको क्या करना है, वाटर के साथ इसको बॉइल करना है, वाटर H2O बॉइल करो, वाटर के साथ बॉइल करो, राइट। तो यहां पर आपको मिलेगा इस इंटरमीडिएट का कन्वर्जन होगा, जैसे कि मैं अभी इसको CH2H को CH3 बना देता हूं, राइट, चलेगा। तो यहां पर हम लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, तो यहां पर जो है ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इसको H+ ऐड हो जाएगा और इसको OH- ऐड हो जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2OH+। फिर से आपको यहां पर जो हमने बिगिनिंग में यूज किया है H2SO4 को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, फिर से आपको यहां पर रीजनरेट हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो देखो, अगर समझ रहे हो तो कमेंट में यस लिख दो, है ना, क्योंकि अभी आप यहां पर मुझे बोल तो नहीं सकते, तो आप जब भी वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में लिख देना सर हाँ हम समझ रहे हैं, यस सर। तो यहां पर देखो CH3CH2OH क्या है ये, आपको प्रोडक्ट बन गया इथेनॉल, इथेनॉल, राइट। जैसे कि हमने यहां पर बोला था कि इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है, इसको इनडायरेक्ट क्यों बोला गया है, हमने डायरेक्ट क्यों नहीं बोला है? तो देखो, हमने दो स्टेप में यहां पर रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया है। अब मैं आपको यहां पर हिंट देता हूं कि इसमें प्रोडक्ट कैसे ढूंढना है, आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है। बस यहां पर हमने क्या किया है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन कर रहे हैं, देखो H+ OH- तो H+ को आप यहां पर ऐड कर सकते हो, देखो H+ को ऐड कर दो इस कार्बन के ऊपर एंड OH- को ऐड कर दो इस कार्बन के ऊपर, समझ रहे हो, मिल गया आपको प्रोडक्ट CH2 का CH3 बन गया। देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, CH2 का CH3 बन गया और CH2OH बन रहा है। मतलब इसमें कुछ नहीं, सिंपल फंडा है मैकेनिज्म। अगर हमने यहां पर दो स्टेप में रिएक्शन लिखा है, फिर भी हो क्या रहा है, हाइड्रेशन हो रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन हो रहा है। जैसे कि सिमेट्रिक अल्कीन है, और यहां पर सिमेट्रिकल बोल सकते हो आप, सिमेट्रिकल बोल सकते हो, सिमेट्रिक अच्छा रहेगा, सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो यहां पर देखो H+ इस कार्बन को ऐड करो, OH- इस कार्बन को ऐड करो, फिर भी आपको वही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो याद रखो, इन सिमेट्रिकल अल्कीन्स यू विल गेट ओनली वन प्रोडक्ट। तो इसमें हाइड्रेशन या एडिशन करने का टेंशन नहीं है। अगर आपका अल्कीन सिमेट्रिकल है और आप एसिड कैटलाइज्ड, इसका मतलब H2SO4 यूज करके कोल्ड कंडीशन को आप अगर हाइड्रेशन अल्कीन का कर रहे हो, तो आपको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, समझ रहे हो, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इस केस में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल स्ट्रेट रिएक्शन है। अब देखते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको अच्छी तरह से समझना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में होता क्या है, ये हो गया है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में लिखना है आपको इसको, बाद में मैं नोटबुक देखने वाला हूं जब हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट होगी, तो हर एक स्टूडेंट के नोटबुक में पूरा का पूरा राइटिंग में मुझे चाहिए, देखो याद रखो, ठीक है। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के बारे में देखते हैं, अब देखो, तो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स आप लोग जानते हो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स क्या होते हैं। जैसे कि यहां पर एग्जांपल लेते हैं CH3CH double bond CH2, यू नो दिस इज एन प्रोपीन, क्या है, प्रोपीन अनसिमेट्रिकल है। जैसे कि आप यहां से डबल बॉन्ड को कट करते हो, दो पार्ट में डिवाइड करते हो, तो आपको दो अलग अलग पार्ट मिल रहे हैं। अदरवाइज ऐसे भी आप याद रख सकते हो,
इस कार्बन की जो वैलेंसी है, इस कार्बन की वैलेंसी, दोनों कार्बन की वैलेंसी अलग अलग एटम्स और ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही है। अगर ऐसे होता है तो आपका अल्किन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल होता है। जैसे कि हम यहाँ पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फिर से वही कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को ट्रीट करना है। H2SO4 जैसे कि हमने उधर उसको स्प्लिट किया है, तो H+OSO3H-, तो कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए आपको, यस कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर कंडीशन क्या चाहिए, कोल्ड कंडीशन चाहिए, राइट, कोल्ड कंडीशन। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कोल्ड कंडीशन। अब देखो अनसिमेट्रिकल अल्किन है, आपको याद आता है अनसिमेट्रिकल अल्किन, जब भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, अनसिमेट्रिकल अल्किन, इन दोनों का मिलाप होता है, इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आपको बाबा की याद आनी चाहिए। कौन से बाबा की याद आ रहा है, कौन से बाबा की, मार्कोनिकोप्स बाबा की याद आनी चाहिए। मतलब यहां पर आपको मार्कोनिकोप्स बाबा या मार्कोनिकोप्स अंकल बोलो, कुछ भी बोलो, मार्कोनिकोप्स बाबा को फॉलो करना है। क्या होता है, बाबा ने क्या बताया, मार्कोनिकोप्स बाबा ने, तो यहां पर मार्कोनिकोप्स बाबा को फॉलो करना है, तो यहां पर मार्कोनिकोप्स रूल फॉलो करना है। सही बात है। तो मार्कोनिकोप्स क्या बोलता है, तो मार्कोनिकोप्स बाबा बोलते हैं कि व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन, नेगेटिव पार्ट, जो नेगेटिव पार्ट होता है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का, नेगेटिव पार्ट इज एडेड टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। समझ रहे हो, देखो फिर से एक बार यहां पर मैं रिपीट करता हूं। तो जो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है, जैसे कि यहां पर हमारे पास H2SO4 अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, इसका जो नेगेटिव पार्ट है, दिस वन इज द नेगेटिव पार्ट, समझ रहे हो, तो इसको ऐड करना है, किस कार्बन को ऐड करना है, प्रिफरेंशियली जिस कार्बन को, डबली बॉन्डेड कार्बन। देखो यहां पर भी ऐड हो सकता है, यहां पर भी ऐड हो सकता है, यहां पर दो प्रॉड बन सकते हैं, दो प्रॉड बन सकते हैं, तो यहां पर ऐड होने के बाद एक प्रॉड बनेगा, यहां पर अगर ऐड होता है तो दूसरा प्रॉड बनेगा, दो अलग अलग प्रॉड बनेंगे। तो यहां पर ऐड होगा, मार्कोनिकोप्स बाबा ने क्या बताया है, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन को कम हाइड्रोजन ऐड हो अटैच होंगे, उस डबली बॉन्डेड कार्बन को, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को आपका रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऐड करना है, तो आपका वो डोमिनेंट प्रोडक्ट बनेगा, आपका वो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, आपका वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो आपको मार्कोनिकोप्स रूल याद आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने 11th स्टैंडर्ड में इसको बहुत अच्छी तरह से इसको स्टडी किया था, तो आपको मार्कोनिकोप्स रूल अभी मैंने रिवाइज किया है, यहाँ पर आपको याद भी होगा, लेकिन फिर से मैंने आपको यहाँ पर रिमाइंड किया है। अब देखो मार्कोनिकोप्स रूल यहाँ पर फॉलो करना है, तो क्या होगा, जो नेगेटिव पार्ट है इसको ऐड होगा, पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन को ऐड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव इसको ऐड करते हो, पॉजिटिव इसको ऐड करते हो, तो और एक प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब यहां पर टू प्रोडक्ट्स बनते हैं, इस केस में आपको दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सही बात है, दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। अब देखो तो यहां पर हम दो प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि यहां पर हम इसको दोनों भी प्रोडक्ट बना देंगे, तो मार्कोनिकोप्स को हम यहां लिखने से अच्छा रहेगा, यहां पर नोट करेंगे मार्कोनिकोप्स रूल, और जो दूसरा बनेगा एंटी मार्कोनिकोप्स और विदाउट फॉलोइंग द मार्कोनिकोप्स रूल। देखो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोप्स रूल क्या बनेगा बच्चों, यहां पर बनेगा CH3CH, जैसे कि हम यहां पर फिर से इंटरमीडिएट बना रहे हैं, तो आपका जो नेगेटिव पार्ट है यहां पर लग गया OSO3H, राइट, और यहां पर क्या बनेगा CH3CH2CH2OSO3H, समझ रहे हो क्या,
समझ रहे हो? देखो दो अलग अलग इंटरमीडिएट बन गए यहाँ पर। हमारे जो सिमेट्रिकल अल्किन में हमने देखा था उसमें एक ही इंटरमीडिएट बना था, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, वहां पर दो प्रोडक्ट नहीं बने थे। आप कोई भी सिमेट्रिकल अल्किन ले लो, जैसे कि ब्यूट टू ईएनई भी सिमेट्रिकल अल्किन है, उसके केस में भी आपको एक ही इंटरमीडिएट बनेगा। तो यहाँ पर दो इंटरमीडिएट बन गए। देखो इसको नाम कैसा देंगे हम? ये जो ऊपर वाला है जो मार्कोनी का रूल फॉलो किया है, जो मेजर रहेगा जो डोमिनेंट रहेगा, इसको हम नाम देंगे आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। समझ रहे हो? आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। इसको नाम क्या दोगे? एन प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एन प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, एन प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देखो होता क्या है, जो अगला स्टेप है जो हमने सिमेट्रिकल में भी किया था, क्या करना है? वाटर के साथ इसको हीट करना है या बॉइल करना है, दोनों को भी वाटर के साथ बॉइल करना है या आप यहां पर हीट बोल सकते हो। तो क्या होता है, OSO3H कन्वर्ट हो जाता है OH ग्रुप में। तो यहां पर डायरेक्टली मैं शो करता हूं तो आपको यहां पर मिलेगा CH3 और यहां पर आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। और इस केस में क्या बनेगा? CH3CH2OH, राइट। तो ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये बन गया एन प्रोपाइल अल्कोहल। देखो तो मैं इसको IUPAC नाम देता हूं, प्रोपेन 2OL, दिस इज अ प्रोपेन 1OL, राइट। तो यहां पर आपका जो मार्कोनिकस रूल फॉलो किया है ये रहेगा मेजर प्रोडक्ट और ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट, ये रहेगा माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर क्यों बना है माइनर क्यों बना है हम इसको क्लियर करेंगे मैकेनिज्म पार्ट में। ये जो हाइड्रेशन इनडायरेक्ट हाइड्रेशन हो रहा है इसका हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और उसमें आपको क्लियर करेंगे। देखो फिर से एक बार यहां पर आपको क्लियर करता हूं, कॉन्सेंट्रेट एस्टर्स फॉर कोल्ड कंडीशन, राइट। कोल्ड कंडीशन यहां पर देखो इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहां पर कोल्ड कंडीशन मेंटेन नहीं करते हो, अगर आप यहां पर कोल्ड कंडीशन मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप हीटिंग करोगे इस स्टेप के ऊपर, इस स्टेप में अगर आप इसको हीट करते हो तो आपका जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन रहा है ये फिर से कन्वर्ट हो जाता है अल्किन में। याद रखो यहां पर एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां पर अगर आप कोल्ड कंडीशन अगर मेंटेन नहीं करोगे, अगर आप यहां पर हीटिंग करते हो तो आपका जो अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है ये फिर से कन्वर्ट होता है आपके अल्किन में। तो आप बोलोगे हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अल्किन से फिर से अल्किन मिल रहा है, तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है? तो इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं इन सेपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्किन्स। देखो याद रखो अल्केन्स और अल्किन को सेपरेट करने के लिए इस रिएक्शन का एडवांटेज लिया जा सकता है। कैसे? तो अल्केन तो इस तरह अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट नहीं बनाएंगे, बनाएंगे क्या? उसमें डबल बॉन्ड है नहीं है, तो उसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए सिर्फ अल्किन इसको बनाएंगे, अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट को बनाएंगे, ठीक है। जब आप इसको सेपरेट करोगे मतलब ये सेपरेट हो जाएगा और इसको हीट करोगे तो आपको फिर से अल्किन बनेगा और आपका अल्किन सेपरेट कर सकते हो। तो दिस इज मींस हीटिंग कंडीशन आपको अल्किन और अल्किन को सेपरेट करने के लिए यूजफुल है, ठीक है याद रखो। तो यहां पर अनसिमेट्रिक अल्किन्स में आपको दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, यहां पर एक प्रोपेन 2OL जो कि सेकेंडरी है, 2 डिग्री
टू डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंडरी है, और दिस वन इज वन डिग्री, वन डिग्री का मतलब क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसमें जो टू डिग्री बना है वह आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये जो आपका वन डिग्री बना है वो आपका क्या है, माइनर प्रोडक्ट है, माइनर प्रोडक्ट है। देखो तो इसमें होता क्या है, इसमें और एक कंडीशन बनती है, अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो और हीटिंग कंडीशन पे अगर हाइड्रेशन करते हो तो उस केस में ये वाला इंटरमीडिएट नहीं बनता। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेके हाइड्रेशन करते हो तो डायरेक्ट हाइड्रेशन हो जाता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है। ओके, तो हम आगे देखेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 यूज करने के बाद हाइड्रेशन कैसे होता है और उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे। तब तक बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपके नोटबुक में राइटिंग करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो यहां पर अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह अगर आप यूज करते हो डायल्यूट H2SO4, डायल्यूट H2SO4 अगर आप यूज करते हो तो क्या होता है, मींस अगेन आई विल टेक CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, ठीक है, डायल्यूट, दिस इज डायल्यूट H2SO4। ओके, यहां पर भी होगा मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, मार्कोनिक रूल फॉलो होगा, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायल्यूट को लिया है हमने तो यहां पर डायरेक्टली हम इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, यहां पर वाटर लेते हैं क्योंकि यहां पर इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो HOH लेते हैं यहां पर, और यहां पर लेते हैं डायल्यूट H2SO4, ठीक है, चलेगा डायल्यूट H2SO4, और यहां पर करेंगे मार्कोनिक रूल, ये बेटर रहेगा। देखो तो अगर डायल्यूट H2SO4 यूज करते हो तो इसमें अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो प्रीवियस रिएक्शन में हमने देखा था कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट इंटरमीडिएट बन गया था, लेकिन डायल्यूट H2SO4 में डायरेक्ट एडिशन होगा, मींस आपका जो OH- है, आपका जो OH- है डायरेक्टली एड हो जाएगा बाय फॉलोइंग द मार्कोनिक रूल, यू नो दिस वन एंड दिस H+2 दिस कार्बन, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक रूल। ओके, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3, मैं यहां पर सिर्फ मेजर प्रोडक्ट लिख रहा हूं, CH3 CH OH and CH3 CH3 OH CH3 CH OH CH3, राइट, तो प्रोपेन टू ऑयल आपका ये मेजर प्रोडक्ट यहां पर बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा प्रोपेन टू ऑयल, राइट, दिस इज एन मेजर प्रोडक्ट, मतलब यहां पर जो इंटरमीडिएट बन रहा था अल्किल हाइड्रोजन सल्फेट इस केस में वह नहीं बनेगा, ठीक है। चलो बच्चों अभी हम डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके पहले एक पॉइंट नोट कर लो, उसके पहले एक पॉइंट नोट कर लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन हम देख रहे हैं, ये जो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, तो एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन में आप नोट कर लो, एक्सेप्ट इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, एक्सेप्ट इथेनॉल जो कि आपको पता है कौन सा है, प्राइमरी है, एक ही प्राइमरी बनेगा, एक्सेप्ट इथेनॉल प्राइमरी का एक ही एग्जांपल यहां पर बनेगा, इथेनॉल छोड़ के अदर प्राइमरी अल्कोहल इस मेथड से नहीं बनेंगे, एक्सेप्ट इथेनॉल सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड,
बाय दिस मेथड, बाय दिस मेथड। देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मैकेनिज्म में कवर करने वाले हैं, तो ये जो मेथड है इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, हम देखेंगे मैकेनिज्म में कैसे इसको समझ सकते हो। जो इंटरमीडिएट बनता है इस मेथड में वो बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है बच्चों? कार्बोकैटायन बनता है, हम आगे देखने वाले हैं, कार्बोकैटायन बनता है। जैसे कि कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट मैकेनिज्म में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें क्या होता है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल, याद रखो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है आपको एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, लेकिन अगर कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट हो सकती है तो उस केस में आपको सेकेंडरी के जगह टर्शरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो उसको हम समझ लेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल हम कवर करेंगे कि कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट जो होता है यहाँ पर, रीअरेंजमेंट यहाँ पर रीअरेंजमेंट जो होता है वो होता है 1-2 हाइड्राइड, 1-2 हाइड्राइड और मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड एज 1-2 हाइड्राइड मिथाइल और फिनाइल शिफ्ट। तो जिस केस में इस तरह का शिफ्टिंग पॉसिबल होता है कार्बोकैटायन में, तो उस केस में क्या हो जाएगा रीअरेंजमेंट हो जाएगा। तो हम मैकेनिज्म पार्ट में इन पॉइंट को कवर करने वाले हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैसे बनता है, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, दैट इज 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, 1-2 फिनाइल शिफ्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे इसके मैकेनिज्म पार्ट में। ओके तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इन वेरी डिटेल वे। ओके मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे होता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट लगा दो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और नोटबुक में लिखो। ओके तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी इन दिस लॉकडाउन पीरियड, थैंक यू वेरी मच।